दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कुंजम पास और फिर जाएंगे हम चंद्रताल। चंद्रताल में नाइट कैंपिंग करने के बाद हम फिर से रिटर्न होकर के कुंजम पास और उसके बाद बाटल और फिर छोटा दर्रा क्रॉस करते हुए हम जाएंगे अटल टनल के थ्रू मनाली। तो आइए देखते हैं इस पूरे एपिसोड को। आप सबका फिर से स्वागत है मेरी स्पूति जर्नी पर और ये है एपिसोड नंबर 6। जैसा कि इंट्रो पे मैंने बता दिया है कि अब हम जा रहे हैं चंद्रताल की तरफ, तो अभी हैं हम कुंजम पास पर और ये कुंजम पास लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पे 12 महीने आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। इवन जब हम लोग आ रहे थे तो यहाँ रास्ते पर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था। बहुत हैवी नहीं था लेकिन बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था और काफ़ी ठंड थी। और जब कुंजम पास को हम क्रॉस कर रहे थे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे थे और लगभग समय हो गया था 7:30 बजे का। और ये रास्ता जो था, हमारा पहली बार विजिट किया हुआ रास्ता था, तो थोड़ा सा हमें परेशानी हो रही थी कि कैसे जाएँ, कहाँ पर रुक जाएँ, क्योंकि हमें जाना था चंद्रताल की तरफ। तो नाइट होने के बावजूद भी हम धीरे धीरे चलते रहे और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम जो है चंद्रताल की तरफ पहुंच गए। कुंजम पास के पास में ही एक कुंजम नाम का एक बौद्ध स्तूप है या बौद्ध टेंपल कह सकते हैं। तो हम लोगों ने उस बौद्ध टेंपल का अपनी फोर व्हीलर से एक चक्कर लगाया। मोस्टली सारे पीपल जो भी यहां से गुजरते हैं वो कुंजम टेंपल का एक चक्कर लगा करके ही आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, लगभग 3 घंटे के ड्राइव करने के बाद हम पहुंच आए हैं चंद्रताल के बेस कैंप पर। बेस कैंप में आपको ढेर सारे टेंट प्रोवाइडर मिल जाएंगे। यहां पे आप चाहें तो पहले से बुकिंग करके आ सकते हैं या बिना बुकिंग करे भी आ सकते हैं। और हम लोग यहां पहुंच करके एक सिंगल बड़ा बेडरूम का एक बड़ा सा टेंट लिया और उन्होंने चार्ज किया लगभग 1500 रुपये पर पर्सन और उसमें उन लोगों ने हमें 2 टाइम का खाना दिया, रात का डिनर और सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, जिसमें भरपेट खाना था।
ओवरनाइट बेस कैंप पे हमने स्टे किया। स्टे करने के बाद मॉर्निंग सुबह ही गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है और उसके बाद तब आप चंद्रताल जा सकते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं चंद्रताल की तरफ। यहाँ पे लगभग 4 से 5 किलोमीटर अभी आपको फोर व्हीलर से जाना है और उसके बाद आपको लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा जो कि बहुत कठिन ट्रैक है। कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है जिसके वजह से आपकी आसानी से सांस फूलने लगेगी, आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया। लेकिन जैसे ही आप ट्रैक को कंप्लीट करेंगे आपके सामने होगा बहुत ही खूबसूरत सा चंद्रताल। और इसके इतिहास की बात करूँ तो दो तरह से इतिहास है। एक तो इतिहास ऐसा है कि यहाँ पे जो है स्नो लेपर्ड पाए जाते थे बहुत पुराने और वो आसपास के बर्फ में ही छुपकर कहीं रहा करते थे जिसके वजह से ये काफ़ी मशहूर हो गया। डिस्कवरी चैनल ने भी यहाँ पे आके वीडियो शूट किया है। और दूसरा है हमारा जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से महाभारत के समय में जब कौरव उनका देहांत हो गया था तब विष्णु जी यहाँ पे उनको लेने के लिए अवतरित हुए थे जिसके वजह से ये झील बन गई है। तो ठीक वैसे ही नाम दे दिया गया है चंद्रताल। और अगर देखा जाए तो इसका डिज़ाइन जो है वो हाफ मून जैसे है तो देखने में भी चंद्र चांद जैसे दिखता है। हम लोग जा रहे हैं ये चंद्रताल झील, देखिए 4,290 मीटर की ऊंचाई पर है ये और ये हम लोग को धन्यवाद दे रहा है कि आप यहाँ पर आए। कहाँ लिखा धन्यवाद दे रहा है वो पीछे, थैंक्स फॉर विजिटिंग चंद्रताल लेक, ये तो वार्निंग दे रहा है। हाँ, ऑल विजिटर आर वॉन्ट नॉट टू बी पिच टेंट्स बियॉन्ड द पार्किंग। हाँ चंद्रताल प्रोटेक्टेड एरिया। बहुत ही ज्यादा ठंडी है दोस्तों, -15 टेम्परेचर है। अंकित कह रहा मेरी नाक जम गई है, पता नहीं बात सही है झूठी है। फाइनली अब हम पहुंच आए हैं चंद्रताल पर। चंद्रताल का जो पानी है वो ग्लेशियर वाटर है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है जैसे ही सूरज उगता है। आसपास के जो ग्लेशियर वाले पहाड़ हैं उनका प्रतिबिंब बहुत ही खूबसूरत सा पानी में दिखता है जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पर घूमा और सेल्फी खिंचाई, वीडियो बनाया, रील बनाया और उसके बाद हम लोग फिर से लौट चले अपने बेस कैंप की तरफ जो कि लगभग यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है। फिर से हमें 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी फोर व्हीलर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने बेस कैंप पर। बेस कैंप पर जाकर के थोड़ा सा गर्म पानी पिया जाएगा और उसके बाद हम निकल चलेंगे आगे मनाली की तरफ।
अब हम लोग चंद्रताल का ट्रैक कंप्लीट करके अब हम पहुंच आए हैं बाटल के पास। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर चाचा चाची की दुकान या रेस्टोरेंट कह सकते हैं, रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग रुक करके कॉफ़ी चाय और मैगी खाई थी। ये एक लैंडमार्क है, इस रोड पे जब भी कोई गुजरता है तो बताता है कि हाँ चाचा चाची की दुकान के आसपास हूँ, तो जाने वाला समझ जाता है कि हाँ इस एरिया पे है। तो ये एक बहुत पॉपुलर लैंडमार्क है, जब भी आप कभी मनाली से होते हुए काजा जाएंगे तो आपको ये यहीं पे सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट मिलेगा, तो आप कभी मिस ना करें क्योंकि उसके आगे 2 से 2.5 घंटे आपको फिर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके आपको काजा में ही कोई रेस्टोरेंट नया दिखाई देगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम पहुंचने वाले हैं छोटा दर्रा, जिसका नाम है छोटा दर्रा, लेकिन ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। यहाँ पे आपको बीच सड़क में बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, जहाँ पे लो फ्लोर की कोई भी कार क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। आपको जगह जगह पे पानी क्रॉस करने के लिए वाटर होल्स मिलेंगे, उन्हें भी आपको बार बार क्रॉस करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने छोटा दर्रा का थोड़ा सा हिस्सा क्रॉस किया था, तभी हमने देखा कि एक इनोवा गाड़ी बार बार कोशिश करके जो है चढ़ने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही थी। हम लोगों ने फिर उनके सारे यात्रियों को बाहर निकाला और उसके बाद ठेल करके उस गाड़ी को, उस छोटे से चढ़ाई को चढ़ाया। उसके बाद बारी आती है हमारी, हमारी सेंट्रो कार लगभग 5 बार ट्राई की तब जाके कहीं सक्सेस मिला। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। हाँ धक्का देना पड़ेगा। ये अरे 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 अब धीरे धीरे वातावरण बदलना शुरू हो गया था, क्योंकि हमें अब छोटे छोटे फूल के पेड़ मिलना शुरू हो गए थे। इससे पहले ना तो ऑक्सीजन थी ना ही कोई पेड़ पौधे थे। हम जैसे जैसे मनाली की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमें पेड़ का जंगल धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। ले अब हम पहुंच चुके हैं हमटा पास। हमटा पास भी काफ़ी पॉपुलर है। जो लोग मनाली आते हैं वो बर्फ़ देखने के लिए या तो रोहतांग पास जाना चाहते हैं या तो फिर लेह रूट पे आगे निकल जाते हैं। तो काफ़ी कम लोगों को पता है कि हमटा पास मनाली से लगभग 45 से 60 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं आसपास है जो कि पड़ता है। तो यहाँ पे 12 महीने आपको बर्फ़ मिल जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी बर्फ़ के दोनों तरफ बीच से गुजर रही है।
अब हम मनाली के बहुत पास है और ये है रोहतांग पास का पीछे का हिस्सा। हालांकि हमारे पास पास नहीं था जिसके वजह से हम रोहतांग पास नहीं घूम सकते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग जो है अटल टनल की तरफ से घूम करके रोहतांग पास के पीछे तरफ आकर के बर्फ का मजा ले रहे हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, जब आपको अगर रोहतांग पास जाने का पास नहीं मिलता है, परमिट नहीं मिलता है, तो आप अटल टनल होते हुए रोहतांग पास के पीछे तरफ आकर के आसानी से घूम सकते हैं और बर्फ का मजा ले सकते हैं। बर्फ आपको यहाँ पे 12 महीने मिल जाएगी। अब हम पहुंचा है हमारे इस एपिसोड का आखिरी जगह पे, ये है अटल टनल। अटल टनल के आगे हम जो है मनाली के एक होटल में रुकने वाले हैं, तो इस एपिसोड को हम अटल टनल पे ही ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। अटल टनल जो है रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि रोहतांग पास बहुत संकरा है और वहाँ से ढेर सारी गाड़ियाँ एक साथ नहीं गुजर सकती थीं। तो कांग्रेस के ज़माने में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इन लोगों ने इस टनल का शुरुआत किया और इस टनल का नाम रखा गया था रोहतांग टनल। बाद में जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में सत्ता में आई, तो उन लोगों ने इसका नाम रख दिया अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, इसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। आपको अगर कोई चीज़ पूछना है, कोई चीज़ मन में झिझक है, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस एपिसोड को अब मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इस हमारी सीरीज का, स्पीति सर की सीरीज का, हम पूरा टोटल 7 एपिसोड बनाया है, जिसमें आपको आखिरी एपिसोड मिलेगा इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको मेरे नए एपिसोड के वीडियो को आसानी से देख सकें। चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।